हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव एंड वेलकम टू द चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपसे एक जॉब वैकेंसी के बारे में बात करने वाला हूँ। मैक्सिमम जो सब्सक्राइबर्स हैं मेरे वो 10th और 12th क्लास के हैं, तो उन्हीं के लिए मैं अभी जॉब्स लेके आता हूँ, गवर्नमेंट जॉब्स, और धीरे धीरे आपके लिए ग्रेजुएशन जो जॉब्स होते हैं वो भी लेके आने वाला हूँ। तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी गवर्नमेंट जॉब निकली हुई है पैरामिलिट्री फोर्स की। तो फ्रेंड, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, स्किप मत करिएगा। और फ्रेंड, चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि आने वाली जॉब्स का नोटिफिकेशन या फिर आपको मतलब सारी डिटेल्स आपको मिल पाए, और कैसे उसके लिए प्रिपरेशन करनी है मैं सब कुछ आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड, मैं जिस जॉब के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, वो है असम राइफल्स। आपने इसका नाम सुना होगा, जो इसका मतलब आपको मतलब इसका गठन जो हुआ था वो होता 1865 के अंदर। बहुत पुरानी फोर्स है, और मैं आपको जॉब लोकेशन पहले बता देता हूँ। इसके अंदर जॉब लोकेशन होती है वो नॉर्थ ईस्ट एरिया के अंदर होते हैं। आपका असम हो गया, आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, जो भी नॉर्थ ईस्ट एरिया के जो भी एरियाज होते हैं वहाँ पे, मतलब उसके बॉर्डर प्रोटेक्शन के लिए, और वहाँ पे कुछ भी ऐसा मतलब पैरामिलिट्री फोर्स की एग्जैक्टली आपको वहाँ पे पोस्टिंग दी जाती है। और इसके अंदर दो पोस्ट निकली हुई है, ग्रुप बी की एंड ग्रुप सी की पोस्ट निकली हुई है। और गाइस, जो पोस्ट है टोटल पोस्ट में आपको बता देता हूँ, 1230 1230 पोस्ट इसके अंदर निकली हुई है। इसमें आपको बताता हूँ अप्लाई करना आप कब से शुरू कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या एग्जाम पैटर्न होगा, कब एग्जाम होगा, क्या क्राइटेरिया, सब कुछ आपको डिटेल में बताता हूँ। जो इसकी फॉर्म एप्लीकेशन जो शुरू होंगे भरना, वो होंगे 11th of September से। इट मीन्स आज है 1st of September, तो अभी आपका ये नोटिफिकेशन आपको नहीं शो होगा, लेकिन अगर आपको इसका नोटिफिकेशन का देखना है लिंक, भाई क्या डिटेल है, प्रॉपर PDF वगैरह, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ले रहा हूँ, वहाँ से आप डिटेल पढ़ सकते हैं। और जब इसका अप्लाई करने का लिंक जनरेट होगा तो डेफिनेटली आपको फिर भी अपडेट करूंगा, और इंस्टाग्राम पे जरूर करूंगा, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करना। सो 11th of September को आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जो इसकी लास्ट डेट होने वाली है वो है 25th of October। बहुत टाइम दिया जा रहा है यहाँ पे, तो वन मंथ से भी अबव का है। और इसकी जो एग्जाम डेट है वो भी दे दी गई है आपके जो भी नोटिस था उसके अंदर, कि 1st of December को आपका एग्जाम कंडक्ट होगा, रिटर्न एग्जाम, राइट। और जो उसके अंदर जो एज क्राइटेरिया रखा गया है वो है मिनिमम 18, और कुछ पोस्ट के लिए है 25, और कुछ पोस्ट के लिए 23। अब ये एग्जैक्टली किस पोस्ट के लिए, जब इसका पूरा प्रॉपर नोटिफिकेशन निकल के आ जाएगा उस पोस्ट, उसके अंदर सब कुछ लिखा होगा। अभी लास्ट कुछ टाइम पहले भी ये वैकेंसी निकली थी, 1-2 साल पहले, तो मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। मिनिमम एज जो उसमें दे रखी है वो 18 है, एंड द मैक्सिमम इज 23, और दो कुछ पोस्ट के लिए है 25। नेक्स्ट है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। गाइस, आप क्लास 10th पास दें, क्लास 12th पास दें, आपके पास ITI का डिप्लोमा है, इवन आप बैचलर डिग्री आप होल्डर हैं, तो कोई भी आप मतलब किसी से भी हैं तो आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। और ये डिपेंड करता है पोस्ट वाइज, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन वेरी करती है। अब मैं आपको उन वैकेंसी के बारे में बताता हूँ जो कि 10+2 के लिए, मतलब जो 12th पास है। गाइस, इसके अंदर कुछ वैकेंसी मैं आपको बता देता हूँ। क्लर्क की एक वैकेंसी है, एक है पर्सनल असिस्टेंट की। तो क्लर्क और पर्सनल असिस्टेंट की वैकेंसी है जो कि क्लास 12th के लिए है, और कुछ इसमें टाइपिंग स्पीड मांगी गई है आपसे 30 से 35, और नॉर्मल यार इतनी स्पीड तो सबकी होती है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करना है। सो ये इसमें क्राइटेरिया रखा हुआ है सब चीज़ का। आपकी जो अप्लाई डेट है वो है 11th of September, भूलना मत, बाकी मैं आप सबको याद दिला दूंगा। नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर क्या सिलेक्शन प्रोसेस होगा। गाइस, 4 फेज के अंदर आपका इसमें सिलेक्शन प्रोसेस होगा। सबसे पहला होगा आपके अंदर इसका फिजिकल टेस्ट या फिजिकल मेजरमेंट, जिसमें आपका हाइट मेजरमेंट करी जाएगी, आपकी चेस्ट करी जाएगी, और आपका मतलब रनिंग वगैरह कुछ यहाँ पे हो सकता है, मतलब फिजिकल टेस्ट आपका होने वाला है। सेकेंड फेज होगा आपका रिटर्न एग्जाम। रिटर्न एग्जाम होगा, रिटर्न एग्जाम प्रॉपर कंडक्ट किया जाएगा, वो ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन होगा, अभी ऐसा मेंशन नहीं है। जैसे भी होगा मैं डेफिनेटली आपको अपडेट करूंगा। नेक्स्ट होगा आपका स्किल्स टेस्ट। स्किल टेस्ट का मतलब, जैसे कुछ पोस्ट के लिए यहाँ पे टाइपिंग मांगा गया है, और जैसे कुछ पोस्ट के लिए जो ITI से अपना डिप्लोमा करते हैं उसके अंदर जो ट्रेड की जो पोस्ट होती है, जैसे कारपेंटर होता है, कुछ भी ड्राइविंग की होती है, तो वहाँ पे ड्राइविंग आपको करके दिखानी होती है, तो स्किल्स टेस्ट के अंदर ये सब आ जाता है। नेक्स्ट होगा और लास्ट जो होगा आपका, वो होगा मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट के अंदर आपका पूरा मतलब चेकअप होगा, मेडिकल वगैरह से आप एज अ फिट रहने चाहिए, कुछ प्रॉब्लम ना हो, कोई जेनेटिक वगैरह कोई इशू ना हो। तो आपकी ये चारों टेस्ट होने के बाद एक फाइनल मेरिट लिस्ट जनरेट होगी, और उस कट ऑफ में आने के बाद आपका नेम क्वालिफाई हो जाएगा एज अ जॉब, और आपको पोस्टिंग दे दी जाएगी। कुछ जो भी आपके मतलब जिसने जो भी आपने अपने प्रेफरेंस भरी होगी फॉर्म के अंदर, उसके अकॉर्डिंग आपको पोस्टिंग मिल जाती है, और पोस्टिंग डिपेंड करता है आपकी रैंक क्या है, आपके कितने अच्छे मार्क्स हैं। अब बात करते हैं जो इसका एग्जाम पैटर्न होगा वो किस तरीके से हो सकता है। गाइस, अगर मैं लास्ट ईयर से कंपेयर करूं तो जो इसका एग्जाम हुआ था वो 100 मार्क्स का हुआ था,
25 मार्क्स के ईच पार्ट आया था, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, रीजनिंग एंड आपका एप्टीट्यूड मतलब क्वालिटी। ये चारों पार्ट आएंगे आपका, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग एंड जनरल नॉलेज। तो ये चारों पार्ट आते हैं 25 मार्क्स से, आपका 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। और कट ऑफ जो इसकी वेरी करती है जनरल कैटेगरी के लिए, वो वेरी करती है 60-70 के आसपास। पहले आपका फिजिकल कंडक्ट होगा, देन आपका रिटर्न एग्जाम होगा। तो ये सारा पैटर्न होता है जॉब में सिलेक्शन लेने का। ये सारा प्रोसेस होता है जॉब में सिलेक्शन लेने का। अब बात करते हैं सैलरी की। अब भाई सैलरी तो बहुत लोग चाहते हैं, ऑब्वियसली यार काम करना चाहते हो तो ऑब्वियसली पैसा तो चाहिए। तो सैलरी बात करता हूँ मिनिमम की, तो वो है 22,000 फॉर जो 10th क्लास के बेस जॉब है या 12th क्लास के बेस जॉब है, जो क्लरिकल जॉब है और भी जैसे कुछ जॉब्स हैं उनके लिए है, मिनिमम आपको बता रहा हूँ। और इन्हीं पोस्ट के लिए जो मैं आपको मैक्सिमम बता रहा हूँ वो है 65,000, 65,000 तक आपकी सैलरी जा सकती है और मिनिमम आपकी 22,000 आपको मिल जाएगी, सारा DLVL लगा के, सब कुछ कंप्लीट लगा। अब बात करते हैं कुछ अच्छी पोस्ट के लिए, जो कि पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट है, ग्रुप बी की पोस्ट बोल सकते हो आप, और भी अच्छी पोस्ट है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट के बारे में जो है पर्सनल असिस्टेंट। इसकी जो मिनिमम सैलरी रहने वाली है वो है 30,000। इसकी मिनिमम सैलरी 30,000 होगी और जो मैक्सिमम सैलरी जाएगी वो जाएगी 90,000 के आसपास, राइट। और जैसे क्लर्क की जो जॉब है, जैसे मैंने आपको बताया, क्लर्क की जॉब भी आपकी मतलब 30,000 आपकी मिनिमम सैलरी होगी और मैक्सिमम 90,000 के आसपास या 1 लाख से प्लस। तो इसका जॉब आपको मैंने एरिया बता दिया कहाँ पे आपकी जॉब पोस्टिंग हो सकती है, नॉर्थ ईस्ट एरिया के अंदर वहाँ पे हो सकता है, अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, ऐसे एरिया के आसपास आपकी पोस्टिंग मिलेगी आपको। और ऑल ओवर इंडिया से आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो, चाहे वो जनरल कैटेगरी से हो, चाहे वो SC से हो, चाहे, क्योंकि ये एक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है। सो आप ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि असम बोल दिया तो सिर्फ असम वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया से आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हो और कोई भी कैटेगरी लगा के अप्लाई कर सकते हो। अब जहां तक ये मैंने सब कुछ कवर कर दिया है, इस पोस्ट के बारे में जो भी अभी तक बताया गया है मैंने सब कुछ आपको क्लियर बता दिया है। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है आपको तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपको एक किसी पर्टिकुलर जॉब के बारे में जानना है तो डेफिनेटली मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मेरे साथ जुड़कर आपकी जॉब का नोटिफिकेशन पा सकते हैं, जल्दी अपडेट आपको मिल जाती है नोटिफिकेशन। या फिर कोई क्वेरी है तो आप वो भी मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। सो गाइस, बहुत बेहतरीन मौका है आप सभी के लिए पैरामिलिट्री फोर्स में जाने का, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं और बहुत अच्छी जॉब ले सकते हैं जल्दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाने वाला हूँ आने वाले दिनों के अंदर। गवर्नमेंट जॉब्स बताऊंगा, और जो इंटरेस्टेड रखते हैं, ऐसे कुछ स्टूडेंट होते हैं वो बैंक में इंटरेस्ट रखते हैं, IBPS का जो आपके एग्जाम्स होते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो HDFC बैंक में जॉब करना चाहते हैं, तो मैं प्राइवेट बैंक की भी वीडियो बनाने वाला हूँ, प्राइवेट जॉब्स की बनाने वाला हूँ, और गवर्नमेंट जॉब पर ज़्यादा मेरा फोकस रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली यार गवर्नमेंट जॉब एक सबका सपना होता है। तो धीरे धीरे ऐसी वीडियोस आने वाली है मेरे चैनल पे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ताकि आने वाली वीडियो का सारा नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ नए अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।